और अभी खिलाड़ियों से परिचित प्राप्त कर रहे हैं असित सिंह सरदार, उनके साथ है मंगल टूडू जी, समाज सेवी साथ में है जॉन सिंह, साथ में पीतो सोरेन जी जो जमशेदपुर से ताल्लुकत है, सक्रिय सदस्य धनंजय सिंह जी उनके साथ है, आदिवासी मोटा सोरेन यूथ क्लब सिमुंडगा के सक्रिय सदस्य हरि सिंह सरदार जी साथ में हैं, बागरो निवासी हरि गौर जी साथ में, पलासपली पंचायत अंतर्गत छोटा पकी गांव के समाज सेवी भरत मोहन सिंह जी, खिलाड़ी सब साथ ही आपको बता दूं, ये जो मैच है आज का इस टूर्नामेंट का अंतिम मैच यानी फाइनल मैच, और मैदान के पश्चिम छोर की ओर है आपका टीएस और डीएस फुटबॉल सेंटर बीएफसी बालियागुड़ा के टीम, तो पश्चिम की ओर है गोविंदपुर जो काफी अनुभवी खिलाड़ी से सुसज्जित टीम है। ये दोनों के बीच में जो मैच खेले जा रहे हैं, अच्छा अभी अभी बालियागुड़ा टीम को एक फ्री किक प्राप्त होते हुए, और इस तरह गलत खेल के लिए टीम देते हुए गोविंदपुर टीम को हमारे संचालक नकुल सिंह, आपको बता दूं ये जे ऐसे के अच्छे संचालक में गिने जाते हैं, और बहुत अच्छे शॉट, इधर से देखने से तो लग रहा था कि बॉल बाहर चले गए लेकिन गोल पोस्ट के अंदर, एक सुन से पिछड़ते हुए गोविंदपुर की टीम, लेकिन अपने हौसला में थोड़ा भी कमी नहीं, बिल्कुल आक्रमण के डोर संभाले हुए चार नंबर के जर्सी थ्रोइंग डब्लू नहीं, ये तो हम एच डब्लू होगा सर, मुझे जर्सी नंबर नहीं दिखा, ये है ना, हाँ इसमें देखिए सर्च कीजिए, कारो जी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कौन सा खिलाड़ी ने गोल मारा, काके लिए हम लोग को वहाँ से जर्सी नंबर नहीं दिखा, नंबर क्या, चंपा बास्के जर्सी नंबर नौ, बारह बारह, क्षमा चाहते हैं जर्सी नंबर बारह चंपा बास्के के प्लेंटी शॉट द्वारा अपने टीम को एक शून्य की बढ़त दिलाए हुए हैं, और जबरदस्त शॉट, हम इस मैच का परिणाम को अभी हम घोषणा नहीं कर सकते हैं कि आज के जो विजेता कौन होंगे, क्योंकि दोनों ही टीम की ओर से एक दूसरे पर
आक्रमण की जो गति है वो बिल्कुल दर्शक को और हमें भी रोमांचित करते हुए सर अभी की जो फाइनल खेल में जो खेल कला का प्रदर्शन किया जा रहा दोनों टीम के खिलाड़ियों से द्वारा इसमें अपने आप दर्शकों में जो उत्साह देखी जा रही है तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है काबिले तारीफ और भीड़ जो है भीड़ की बात अभी तक दर्शक डटे हुए हैं इस मैदान में पानी मुहाने चोटी होंगे शायद आप पानी वापस ले आ जाए बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है कि हमारे दोनों खिलाड़ी सुरक्षित हैं दोनों टीम के लिए दोनों खिलाड़ी के लिए 50-50 बोल थे जानो टकले सेंटर लाइन से आगे जाना रे और चार नंबर की खिलाड़ी दिशा का भरपूर कमी अन्यथा परिणाम और कुछ हो जाते सेंटर लाइन से इधर में रहो वहाँ जाओ एक डिफेंडर खींचे पीछे होगा कौन कौन मार रहा है शॉट शॉट चीप आगे खेले कितना ना अरे छोड़ अरे उसे ब्रेक छोड़ जा जा आगे वन मैच चलो दोनों ही टीम काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए ऐसा नहीं है कि ये गोल तोहफा के रूप में मिला है क्योंकि खेल भी उतना ही जबरदस्त दोनों टीम का थोड़ा सा हड़बड़ाहट गोविंदपुर की टीम अभी भी समय है दोनों टीम के लिए आप अपना लाइक को बनाए रखे अपने साथी को पास देते रहे तो परिणाम अभी भी बदल सकता है दोनों टीम का दोबारा आक्रमण करते हुए और जबरदस्त शॉट लेकिन थोड़ा सा गति की कमी गोविंदपुर की टीम आक्रमण करने का प्रयास किए थे लेकिन बॉल को पार करने में नाकाम और इधर दोबारा हमको लगता है ये फाइनल मैच के लिए तालियों का थोड़ा बहुत हमको जहां तक लग रहा कमी हो रहा है नहीं तो इतने अच्छे जबरदस्त मैच होने के बाद अगर दर्शक के मुंह से आह ऊ ए आवाज नहीं आए तो शायद मैच का आनंद ही थोड़ा सा जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है अब लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल अभी जिस तरह आपने कहे कि तालियों की गड़गड़ाहट हो उसने ही लंबी लंबी शॉट दिखने को मिल रहा है अभी बिल्कुल जहां दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का हौसला अजमाइश करता है तो खिलाड़ी जो अपने आप को ना
बिल्कुल शेर से सावा शेर समझते हुए काफी प्रयास करते हैं, अपना 100% अपना जो एनर्जी होता है, अपना जो स्किल होता है, उसका प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय काफी बचा हुआ है, अपने टीम को बराबरी पे लाने के लिए काफी जोर शोरों से प्रयासरत है। काफी अनुभवी खिलाड़ी बिल्कुल बॉल को दूसरी छोर के कॉर्नर, ओह कुछ भी हो सकता है, डिफेंडर काफी सतर्क, अन्यथा परिणाम और कुछ देखने को मिल जाता। और हमको लगता है जिस तरह रेफरी का लंबा सेटी, उस हिसाब से हमको लगता है कॉर्नर शॉट प्राप्त हुआ है गोविंदपुर को। और इधर आपको बालियागुड़ा जो फुटबॉल टीम है, आपको बता दो हमारे, और ये जबरदस्त बालियागुड़ा के द्वारा दोबारा आक्रमण करते हैं, टैकल सभी डिफेंडर ऊपर चढ़ चुके हैं, बॉल का गति को हल्का धीमा कर दिया, अन्यथा परिणाम और कुछ हो जाते हैं। तो सर जी, ये दो प्रखंड के बीच फाइनल मैच चल रही है। बिल्कुल, जमशेदपुर बनाम मुसाबनी, और उसमें भी मुसाबनी बढ़त बनाए हुए हैं, ये हमारे जमशेदपुर के खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। बात है, और इसी के साथ खेल की समाप्ति। बहुत ही अच्छे खेल का, जो हम उम्मीद कर रहे थे फाइनल मैच किस तरह का होना चाहिए, ये फाइनल मैच हमें देखने को मिला। और अपने साथी खिलाड़ी जो मैच खेले उसमें किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, काबिल-ए-तारीफ है। और हम सभी खिलाड़ी से भी एक निवेदन करेंगे, आप लोग इसी तरह ड्रेस में रहें और यहीं सामने बिल्कुल हमारे मंच के सामने आप लोग बैठ जाएं, कतरवा दोनों टीम।